बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जायके की बाहर में आज फिर मैं आपके साथ हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चिकन मलाई टिक्का बोटी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है, ये तकरीबन 300 ग्राम है। इसके साथ ही हम लेंगे 2 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 बड़ी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई या 2 मीडियम साइज की ले लें, फ्रेश क्रीम अपने ज़रूरत के हिसाब से। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है दही यानी कि हंकर्ड, आधा टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर है यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर आधा टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल ग्रीन चिल्ली पेस्ट 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका आधा टीस्पून, गरम मसाला पाउडर, जैतून का तेल 1 टेबल स्पून, 1 अंडा और स्टिक जिसमें हमने चिकन को पुरोना है। तो मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। चिकन में सबसे पहले हम ग्रीन चिल्ली पेस्ट डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद नमक तकरीबन 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून डालें, इसके बाद गरम मसाला पाउडर, फ्रेश क्रीम ये मैं बाद में डालूंगी, पहले मैं दही डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून दही डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर एंड वाइट पेपर पाउडर ये 1-1 टीस्पून है, ये भी डाल देंगे, चाट मसाला 1 टीस्पून, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, दो टेबल स्पून मैदा, इसके साथ ही फ्रेश क्रीम डालेंगे हम इसमें 1, 2 और 3 टेबल स्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मैरिनेशन हमारी हो गई, अब हम इसमें ये अंडा मिलाएंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए, इसके बाद हमने अंडा मिला लिया। ये मेरे यहाँ इफ्तारी की तैयारी हो रही है तो मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। अब हम इसे ढक कर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये हमारा मैरिनेशन हो चुका है, हमने इसे 2 घंटा रखा था। मेरे पास जीरा पाउडर खत्म हो गया था, भुना कुटा जीरा इसमें चाहिए तो ये मैंने आधा टीस्पून लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हम इसमें इस तरह से जगह बनाकर इसको स्मोक देंगे। स्मोक देने के लिए पहले से आप इसमें एक कोयले को अच्छी तरह गरम कर ले, लाल कर ले। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे वापस ढक देंगे इस तरह से। चिकन हमारा स्मोक हो चुका है इस तरह से, अब हम इसको निकाल लेंगे।
इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जैतून का तेल, अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये बारीक कटी शिमला मिर्च और सॉरी कि उसमें कटी हुई शिमला मिर्च अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से स्टिक में पुराएंगे, पहले शिमला मिर्च, फिर बोटी, इस तरह से, फिर एक शिमला मिर्च, फिर एक बोटी, फिर एक शिमला मिर्च और फिर से एक चिकन का पीस हम इसमें लगाएंगे इस तरह से। एक एक करके हम सारे स्टिक्स को, आप चाहे तो विदाउट शिमला मिर्च भी बना सकते हैं। देखिए मैं इस तरह बना कर बता रही हूँ आपको। देखिए इस तरह से आप सिर्फ चिकन के पीस लगाना चाहें तो सिर्फ चिकन के पीस लगा सकते हैं। इसी तरह से हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। व्यूअर्स, सारे स्टिक्स हमने तैयार कर लिए हैं, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। एक एक करके हम ये स्टिक इसमें डालेंगे। इस तरह गोल्डन ब्राउन, हल्के से गोल्डन ब्राउन करें, हम इसे निकाल लेंगे। बिल्कुल तैयार हो गए हैं ये व्यूअर्स, हमारी मलाई चिकन टिक्का बिल्कुल तैयार है स्टिक। ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, इफ्तारी में इसको एंजॉय कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखें। आप सबको रोज़े मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए जायके के बाहर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कुकिंग वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।